आसनसोल रेलवे डिवीजन की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव पर बाइक रैली और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। आसनसोल रेलवे डिवीजन के DRM परमानंद शर्मा और वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। आसनसोल रेलवे डिवीजन से यह रैली पहले कोलकाता मुख्यालय पहुंचेगी, फिर वहां से बिहार की पश्चिम चंपारण जिले, फिर देश की राजधानी नई दिल्ली जाएगी। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार को आसनसोल रेलवे डिवीजन की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकाली गई। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। आसनसोल रेलवे डिवीजन के DRM परमानंद शर्मा और वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली और रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। रैली का उद्देश्य रेल यात्री, आम जनता तथा रेल कर्मियों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाना है। आसनसोल रेलवे डिवीजन के DRM परमानंद शर्मा ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से देशवासियों में देश प्रेम की भावना जगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मौजूदा युवा पीढ़ी को आजादी की अहमियत समझ में आए और उन्हें पता चले कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने कष्ट सहकर एवं अपने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था। हम लोग जानते हैं, हम लोग आजादी का 75वां साल इस साल मना रहे हैं और आजादी की कीमत जो लोग आजाद भारत में जन्म लिए उन्हें समझ में थोड़ी कम आ रही है आजकल जैसा देखा जा रहा है, तो उनको ये चीज जागृत करने के लिए और उनके अंदर एक देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि लोग जाने कि आज़ादी नहीं होना और आज़ादी होना में फ़र्क क्या है। वरना हम लोग बहुत सी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, जो कष्ट सहा आज़ादी के लिए, वो हमारी स्मृति से दूर ना हो, ये बस उसी की एक कोशिश है। सर, कहाँ कहाँ घूमेंगे ये? इसमें जो मोटरसाइकिल रैली है ये यहाँ से कलकत्ता में पहले जाएंगे, पूरे ईस्टर्न रेलवे के हर जगह से जो लोग आएंगे वो सब कलकत्ता में जुटेंगे, वहाँ पे एक प्रोग्राम होगा। फिर कलकत्ता से, जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था, तो ये यहाँ से चंपारण की एक यात्रा करेंगे और फिर चंपारण के बाद नई दिल्ली 15 अगस्त के दिन तक पहुँचने का प्रोग्राम। आसनसोल रेलवे डिवीजन के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्रमोहन मिश्रा ने बताया कि आसनसोल रेलवे डिवीजन की विभिन्न रेलवे स्टेशनों से यह बाइक रैली पूर्व रेलवे की कोलकाता मुख्यालय पहुंचेगी, फिर यहां से यह रैली बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में जाएगी, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। पश्चिम चंपारण से यह रैली देश की राजधानी नई दिल्ली जाएगी, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव में हम लोग एक रन फॉर यूनिटी और मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। तो मोटरसाइकिल रैली ये हमारी शुरू होगी यहां आसनसोल के विभिन्न स्टेशनों से होते हुए, फिर हमारे मुख्यालय कोलकाता जाएगी, फिर वहां से गांधी जी के जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण में वहाँ पहुँचेगी, फिर वहाँ से विभिन्न रेलों की टीम मिलकर दिल्ली जाएगी। तो इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्रता के आदर्शों और मूल्यों के प्रति जनता को जागृत करना, और 75 साल हमारी स्वतंत्रता के हो गए हैं तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना। सर, आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बाछाई करा गम थेके तैरी स्वाद ओ गंधे मनेर पछंदे मनपसंद चक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।